Portuguese filmnya. Obviously Portuguese-nya. And the look. Oh, and the lip color is going to keep layer over. A big light. Over there. Come on, I'll check out. I'm going to get a little glue. Origami sheet. Or paper. ये पेपर बहुत खराब है इसलिए मैं बस हम इन दोनों को साइड में रख देंगे और जो पेपर है हम उसको वो लापर ली जैसे फोल्ड करते हैं वैसे करेंगे ये देखिए मेरा बस खराब है तो मैं थोड़ा देर से करूँगी और आप भी ध्यान से करेगा सही भी है क्योंकि सही पेपर ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि आपको पता ही है कि जो होता है और फ्रेंड आपको इसमें आपको हो सकती है मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली उसकी क्या कहते हैं हाँ सीजर की तो फ्रेंड्स आपको तरीका मैं फिर से बताऊँगी जो मैं एडिंग स्पीड चलाती हूँ मेरे पास अगर सीजर नहीं होती तो मैं आपको वो वाला तरीका मैं बताती हूँ दे देखिए अब हम उसको वैसे ही काट लेंगे सबसे पहले हम जो पेपर है हमने दादा से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और फिर जो टंग वहाँ पे हल्की सी लगी थी हम उसको प्रेस करेंगे और पेपर को काट लेंगे ये देखिए मेरा पेपर बिल्कुल सही कटा कोई गलती नहीं है अब जो हमने ख़राब जो हमें लग रहा हल्का था हम उसको साइड में रख देंगे वरना आपके दोनों बराबर है तो आप दोनों में से कोई भी चुनकर अब ये देखिए मेरा ये भी है तो वैसे मैं इसको काट लूँगी जल्दी से कौन साइड में रख देंगे मेरा पेपर बिल्कुल सही बन गया अब हमने कैसे बनाना है अब हम आगे बढ़ते हैं हम लेंगे ऐसे पेपर और उसको करेंगे बराबर ली ऊपर से फोल्ड ये देखिए अब हम इसके नाप का ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए ऐसे कर लिया अब हम क्या करेंगे जो यहाँ से पेपर है अब उसको ऐसे फोल्ड करेंगे देखिए ऐसे जो बाकी का पेपर बचा है साइड साइड से हम उसको इसके किनारे पर बिल्कुल फोल्ड करेंगे जैसे हमने वो किया था पर ये थोड़ा सा बड़ा होगा उससे शायद या फिर बराबर आपके लिए पर मेरे लिए तो बड़ा है यहाँ पर तो फ्रेंड्स मेरी एक जगह से सही नहीं हुआ है तो मैं इसको दोबारा कर दूँ आप भी दोबारा एक बार चेक कर लीजिए दोनों बराबर हैं ताकि आपके थोड़ा कम अब ठीक है मैं इसको फिर से कॉल कर लेती हूँ यहाँ का भी फोल्ड कर लिया मैंने अब मैं कभी कर लेती हूँ आराम से फोल्ड कीजिएगा ध्यान से ताकि कुछ खराब ना हो वरना आपका एक पेपर ख़राब हो गया आप तो दूसरा भी ले सकते हैं अगर आपका सही है सब मैं तो नहीं कह रही हूँ आप वैसे भी यहाँ से कीजिए और इसको हम फिर खोल देंगे क्योंकि हमने इसका नाप ले लिया है अब हम जो ये है हम इसको बराबरली फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद हमारा ऐसा बन चुका है अब हमने जो साइड में पेपर कर लिया था उसको हम इसके बराबर कर लेंगे मैं करती हूँ अभी उसको ले ली करना बाकी तो हम पीछे पीछे फोल्ड कर देंगे अगर हमारे पास सीजर नहीं है और मेरा तरीका है आपके पास करने के लिए मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ अगर आप छोटे हैं तो भी इसको मत काटिए और जिनको डर लगता है स्पेशली सीजर से वो एट ईयर्स के क्यों ना हो 10 ईयर्स के क्यों ना हो पर वो फिर सीजर मत यूज़ कीजिए और अपने एजेंट से मत
तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया। अब मैं स्टोव काट लेती हूँ वैसे ही। मेरा कट गया है तो मैं नीचे रखती हूँ जो खराब है मेरे लिए। और ये मैं एक बार देखती हूँ अच्छे से। तो ये बिल्कुल सही आ गया है। अब मैं इसकी जो ये वाला है इसकी कोनों पे ग्लू लगा कर करती हूँ इसे। ग्लू ले लिया हमने यहाँ पे तो ग्लू खुल गया है। कर लेकर हम उसको साइड पे अच्छे से लगाते थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे करना। तो फ्रेंड्स मेरे ग्लू लग चुके हैं, शायद आपको दिख रही हो। तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास ज़्यादा ग्लू है फिर भी अपने मम्मा पापा की मनी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम वायरस चल रहा है तो हम इसमें अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसे पोच लिया अपना हाथ क्योंकि इसको हमें पेस्ट नहीं करना है, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड सॉरी वो मम्मा की तरह से बोल दी आपको आवाज़ अभी, सॉरी उसके लिए बहुत। तो अब हम इसमें लगा देते हैं अच्छे से। थोड़ा लेट ज़्यादा है तो इसको भी अच्छे से लगा देंगे। थोड़ा छोटा था ये थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, हम भी इस पर जल्दी जल्दी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको पीछे कर दिया है और आप ये सोचे होंगे गंदा सा क्या बन गया, पूरा नहीं बना। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। और फ्रेंड अब हम लेंगे ये मैंने बिल्कुल सीधा करने के लिए लिया था ताकि जो हम इसमें जो भी चीज़ डालेंगे वो खराब ना हो। अब हम लेंगे ओरिगैमी शीट ब्लू का, आप अपने पास रखिए अभी कहीं जाने दे दीजिएगा ब्लू को। तो फ्रेंड मैं ले लूँ एक हार्ट कटेड शेप की, ये मेरे पास ऐसी वेस्टेज पड़ी हुई थी, मैं सोचा किसकी काम आ रही। फ्रेंड पर ये ठीक नहीं रहेगा, हम इसको डिज़ाइन के लिए लेंगे। हम बिल्कुल ठीक ही ले लेते हैं। एक और ओरिगैमी शीट ले लिया मैंने, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास ओरिगैमी शीट नहीं है तो आप पेपर कलर करके उसको ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। या फिर आप कलर शीट भी ले सकते हैं टू साइड, वो आपकी मर्जी। अब हमें डालना लेटर, तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। ये बिल्कुल सही आ रहा है, बराबर रखेगा। अब हम इस पर भी साइड से ग्लू लगाते हैं। फ्रेंड याद रखेगा आपको ऊपर ग्लू लगानी क्योंकि हम अब इसमें लेटर डालेंगे। ये जो मोटी वाली साइड है ये मैं ऊपर ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा ऊपर से हम ज़्यादा फूल लेते हैं कभी कभार, कभी कभार फटने का भी डर रहता है, इसलिए मैं इसको ऊपर की साइड ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हो चुका है, अब मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स जो ये बचेगा यहाँ पे हम इसको पीछे ऐसे ही फोल्ड कर देंगे, क्योंकि भाई हमने ज़्यादा वेस्ट करनी है, इसको पीछे ही अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है अब हम इसको अंदर डाल देते हैं। फ्रेंड ये एनवेलप तो नहीं बना, बहुत तो नहीं बना है, पर हम इसको एनवेलप की जगह भी यूज कर सकते हैं। ये फिर लिया और पीछे से बहुत गंदा लग रहा है। मैंने इसके लिए जो हार्ड कटे वाला रखा था वो मैं ले रही हूँ। ये देखिए मेरा हार्ड कटे वाला, हम इसको पीछे पेस्ट कर देंगे। हम थोड़ा साइडों से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे पूरे एनवेलप पे तो ये आएगा नहीं। ज़्यादा ही फोल्ड कर देंगे साइडों को। तो फ्रेंड दे देखिए बस, हमने जिस साइड पे फोल्ड एक ग्लू लगा दी, क्योंकि अब हमें एक और भी चीज करनी है, तो इसलिए हम साइड पे ग्लू लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें ग्लू लगा दी, टाइम लगता है, मेरे को पता है कि ग्लू लगाने में तो क्योंकि थोड़ी अच्छे से लगाने होती है और कब लगानी होती है। तो फ्रेंड्स मेरी ग्लू लग चुकी है और अब मैं इसको कर रही हूँ पीछे पेस्ट। आप ये याद रखना नीचे से एक खुला होगा, आगे से एक खुला होगा, अब क्यों खुला होगा ये मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड जब हल्का सा बचा है मैं उसको थोड़ा सा आगे फोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा अच्छे से करने के लिए। ये देखिए हमारे पीछे की साइड, हम इसको आगे भी बना सकते हैं, पर हमने ये लिया है आगे, आप कोई भी आगे ले सकते हैं। अब हम लेंगे मैं मतलब जो रॉक शीट या फिर हाथ का तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ यहाँ से अंदर में। तो अब मैं ला रही हूँ स्केच पेन, तो मैं स्केच पेन की बुरी बुरी खा लाती हूँ, तो आप देखिए। सो फ्रेंड हम इसको वो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लेटर वाले के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम सॉरी कार्ड भी बना सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं सॉरी कार्ड छोटा सा, इसमें लिखेंगे सॉरी। सपोज कि हमने गलती की है या फिर हम अपने फ्रेंड को लेट लिख लिया, हमें बहुत सारे हम पता क्या भी कर सकते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं, क्या करते हैं ठीक है। इसमें मैं लिखती हूँ हैप्पी बर्थडे रेड कलर से,
आपको हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, ठीक है? तो हैप्पी बर्थडे लिख रहा हमने इसमें, और मैं ले लूँ एक और रफ शीट, और ये रेड कलर की है, तो इसमें हम लेंगे दो और कलर, आपको आपको एक बता दूँ, तो इसको भी हम वैसे फोल्ड कर लेंगे, आर्ट को भी फोल्ड कर देंगे। अब मैं इसमें लिखती हूँ तो डार्क कलर से ब्लू ले लेते हैं, सॉरी सॉरी भाई की इसको लिख रहे हैं, इसको बता सकते हैं हैप्पी बर्थडे लिख के, ये देखिए सॉरी लिखा हुआ मैंने और हैप्पी बर्थडे। अब मैं क्या करती हूँ आप चीज़ दिखाती हूँ, हमने नीचे से खुला रखा था, ऊपर से थोड़ा पेस्ट हो गया होगा, नीचे से खुला है, ऊपर से नहीं खुला, नीचे से नहीं खुला, कोई बात नहीं, हम इसको बीच से डाल देते हैं। अब नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, सॉरी, तो फिर भी आपको बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ अब दिखाया ना, तो हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं ऐसे एक साइड से करके, और इसमें हम कभी भी हैप्पी बर्थडे वाला डाल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला भी दिखा देती हूँ आपको। ये रहा हैप्पी बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे वाला पूरा नहीं दिखा, इसे हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कोई बंदा देख सकता है हैप्पी, ऐसे कर लेगा कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे दिख रहा पर सॉरी तो दिख रहा है, अब इसको ज़्यादा सॉरी कर सकते हैं, सॉरी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, ये देखिए ठीक लगा फ्रेंड, तो अब हम ये सारा कर लेते हैं, तो बाय फ्रेंड्स, हम दिखते फ्रेंड्स कलर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम जो हमने जगह बनाई है अंदर डालने की हम उसमें डाल के रख सकते हैं, और जब भी हमें कोई कार्डबोर्ड बना रहे हो हम इसके अंदर डाल के सॉरी या बर्थडे वाला दे देंगे। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।